गोपाल धाम गौशाला में गौ सेवा समिति की ओर से प्रधान विजय पासी की अध्यक्षता में एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें मौजूद डॉक्टर रमन और उनकी टीम ने पशुओं का चेकअप किया, बीमार गांवों को टीके लगाए, मौसम बदलने के कारण जो जो जरूरत इन गांवों को थी वे की, जिसके लिए समिति ने इसका धन्यवाद किया। आज गोपाल धाम गौशाला डॉक्टर रमन जी जेड़े कि डॉक्टर कोहली के द्वारा उन्होंने पे भेजे गए हैं इतने आते अच्छे उन्होंने हार्दिक स्वागत करते हैं कि उन्होंने जी गौ माता दी है बीमार गौ माता ने देखा है सबू देखा है तो अपना ट्रीटमेंट किया है। अस एक बार फिर धन्यवाद करते हैं तो ये भी आस करते हैं कि एक समय समय से टाइम कट के जरूर आया कर गौ माता की अच्छी तरह देखभाल हो सके। असी सारे शहर वासियों भी ये बेनती करते हैं कि क्योंकि गौशाला तुहाडे उन्होंने सहयोग नाल ही चल रही है तो इस गौशाला में वध तो वध सहयोग देन तां जो असी वध तो वध गौशाला गौ माता दीआं सेवां नूं अच्छी तरह कर सकीए। जय गौ माता जय गौ माता। अज गोपाल धाम गौशाला दे विच गौ माता नूं चैकअप करन वास्ते एक मैडिकल कैंप लगाया जिहदे विच डॉक्टर रमन जिहड़े अपनी टीम दे नाल आए आ जिहड़े कि थोरली अज हरेक गौ माता नूं चैक कर रहे आ। कुछ जिहड़ियां कमजोर गौ माता हैगे उन्हां नूं इंजैक्शन ताकत दे लगा रहे आ, बाकी जिहड़ियां होर भी कई हैगियां उन्होंने सारे तरह थोरली चैकअप कर रहे हैं। मैं डॉक्टर कोहली का बहुत बहुत धन्यवाद करदा। असीं उन्हां नूं पिछले दिनों रिक्वेस्ट की सी सर्दियां करके कुछ गौ माता बीमार हो रही हैं, तुसीं साडे इत्थे कैंप लगाओ ताकि थोरली हरेक गौ माता नूं चैक किया जा सके, जिहड़ी जिहड़ी उन्हां दी कोई प्रॉब्लम है वो सारी हल की जा सके। अज डॉक्टर कोहली ने इत्थे टीम भेजी है जिहड़ी कि थोरली गौ माता नूं चैक कर रही। असीं डॉक्टर साहब ने होर रिक्वेस्ट की है कि डेली एक ना एक डॉक्टर इत्थे जरूर आवे, चाहे 10-15 मिनट वास्ते आवे ताकि गौ माता नूं जिहनूं किसी नूं कोई प्रॉब्लम होवे इमीजिएटली उहदा रिलीफ हो सके। असीं कोशिश कर रहे हैं कोई प्राइवेट डॉक्टर जिहड़ा कि अपनी सर्विसिज दे सकदा, जे सर्विसिज नहीं दे सकता अपनी तो असी उन्हूं पेमेंट भी कर देवांगे साडी गौशाला गोपाल धाम गौशाला जावे ताकि असी गौ माता दी होर भी अच्छी तरह सेवा कर सकीए, क्योंकि सर्दियों के विच सर्दी की वजह करके भी कुछ गौ माता नूं प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि ये जिहड़ी गोपाल धाम गौशाला हैगी है ये पठानकोट के दानी सजणां दे सहयोग नाल चल रही है। सरकार वल्लों सानूं किसी प्रकार की भी कोई भी फाइनैंशियल मदद नहीं मिलती पई। मैं बार बार डीसी साहब नूं एमएलए साहब नूं बार बार रिक्वेस्ट करदा कि साडे कोल एक तां गौ माता नूं बाहर धुप्पे घुमाण वास्ते कोई जगह नहीं, एक गोबर छिट्टण वास्ते कोई जगह नहीं, सानूं नाल लगदी कोई भी थोड़ी बहुती जगह दित्ती जावे जिथे असी गोबर भी छिट सकीए ते गौ माता नूं धुप्पे भी सैर करवा सकीए। मैं फिर एक बारी एडमिनिस्ट्रेशन नूं रिक्वेस्ट करदा कि साडी इस रिक्वेस्ट नूं मनदे होए सानूं कोई ना कोई जगह दित्ती जावे। मैं पठानकोट के लोगों का भी बहुत धन्यवाद करदा जिन्हां दे सहयोग नाल असीं गौ माता की सेवा कर रहे हैं। घर दे विच कोई खुशी का मौका होवे, कोई किसी का बर्थडे होवे, आओ गोपाल धाम गौशाला च मनाओ आके। एक तो गौ माता का आशीर्वाद मिलता, एक 33 कोटी देवी देवता का आशीर्वाद मिलता। एक बार फिर मैं डॉक्टर रमन और उन्हां दी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करदा, जिथे इन्हां दा धन्यवाद करदा डॉक्टर कोहली का भी धन्यवाद करदा जिन्हां दे सहयोग नाल ये कैंप लग्या। जय गौ माता की जय गौ माता। जिला पठानकोट का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल व कॉलेज, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध, डेडिकेटेड कोरोना वार्ड, एक्सपीरियंस्ड स्टाफ, व्हाइट मेडिकल कॉलेज बुंगल नियर डीएलएम रिसोर्ट पठानकोट। फास्टवे पठानकोट की हर खबर को सोशल मीडिया पर देखने के लिए आप फास्टवे न्यूज पठानकोट के यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए और फास्टवे न्यूज पठानकोट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।